नमस्कार, मैं बीना बिष्ट, भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम कक्षा दशम से के क्षितिज पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग दो के काव्य खंड में पार्ट आठ कन्यादान, जो ये कविता है उसके विषय में जानेंगे, जिनको लिखा है कवि ऋतुराज ने। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कवि का परिचय। कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। उन्होंने जयपुर में अंग्रेजी विषय में एमए किया था और फिर लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन का कार्य भी किया था। फिलहाल कविराज जयपुर में ही रहते हैं। कवि ऋतुराज की कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों के का यथार्थ है, यानी कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर रूप में कविताएं लिखी हैं। वो अपने आसपास रोजमर्रा की घटित होने वाली घटनाओं, सामाजिक शोषण व विडंबनाओं पर ज़्यादा लिखते थे। तो कविता संग्रह में जो है उनके उनने अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं उनके द्वारा लिखित, जिनमें मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरता नीरत और लीला मुखराविंद प्रमुख हैं। कवि ऋतुराज को पुरस्कार के रूप में मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार और सम्मान के रूप में परिमल सम्मान, पहल सम्मान और सोमदत्त सम्मान भी मिल चुका है। तो आइए अब हम कन्यादान कविता का सार जान लेते हैं। इसमें कवि जो है ऋतुराज जी ने कन्यादान के माध्यम कविता के माध्यम से शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों के बारे में एक संदेश देने की कोशिश की है। कविता में विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के वक्त एक माँ अपने जीवन के सभी अच्छे व बुरे अनुभवों को निचोड़कर एक सही व तर्कसंगत सीख देने की कोशिश करती है अपनी बेटी को, ताकि उसकी बेटी ससुराल में सुख व सम्मान पूर्वक जी सके। तो अब हम जानते हैं बेटा कविता का भावार्थ। इसमें जो पंक्तियां हैं, कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी कि जो ये पंक्तियां हैं इसके आधार पर कवि ऋतुराज जी ने कहा है कि कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रमाणिक होता है। बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। वह जब वह उससे दूर जा रही होती है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लगता है जैसे मानो वह अपने जीवन की अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही हो। आगे कवि पंक्तियों में लिखते हैं, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो भावार्थ है, ये उपरोक्त लिखी जो पंक्तियां हैं वो कवि ऋतुराज जी इसमें कह रहे हैं कि लड़की अभी इतनी सियानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। अभी वह बहुत ही भोली भाली और मासूम है। उसे अपने मायके में सिर्फ सुख का ही अनुभूति हुई है। उसने अपने मायके में सिर्फ खुशियों को ही देखा है। दुख और परेशानियों के बारे में उसे ना तो अभी कुछ पता है और ना ही उसे अपने दुख और परेशानी को बांटना या हल करना आता है। अभी तो उसके सामने काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यावहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ससुराल में जाने के बाद उसके साथ और क्या-क्या जो है परेशानियां आ सकती है, तो उसका समाधान वो कैसे करेगी ये उसके समझ में अभी नहीं आ रहा है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियां और संघर्षों के बारे में उसने अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया है। तो ये स्थिति बताई गई है इन पंक्तियों के माध्यम से। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो भावार्थ है, उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उसमें कवि कह रहे हैं कि माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप अपनी बेटी को दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है, शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह तो अस्थाई है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो
तो तुरंत उसका विरोध करो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में भी जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत अधिक आकर्षित करते हैं, सभी महिलाओं को ये भाते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तु ना मानकर उनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। और माँ कहती है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। अंत में माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। सामने चित्र में आपको माँ बेटी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो भावार्थ के अंतर्गत इन उपरोक्त दो पंक्तियां हैं, इसमें माँ अपनी बेटी को अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने की सीख दे रही है, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर विपरीत परिस्थितियों में, यानी कि कोई भी दुख या समस्या आए, उन परिस्थितियों में पूरी दृढ़ता के साथ उन समस्याओं का सामना कर सके, उन परिस्थितियों का सामना कर सके। क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण व अत्याचार करते हैं, तो इसीलिए माँ ये सीख दे रही है अपनी बेटी को कि कभी भी परेशानियों से नहीं घबराना है और उनका डटकर मुकाबला करना है। इसलिए माँ कहती है कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से एक माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त अपनी बेटी को इन सब गुणों के आधार पर ये सीख अपनी बेटी को एक उपहार स्वरूप देती है। तो बच्चों, आज हमने कन्यादान कविता का भावार्थ के बारे में जाना, और जिसके लेखक कवि हैं कवि ऋतुराज जी, और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।